हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज शारून। सो गाइस, आज प्लान बना लिया हमने अपनी गाड़ी के अंदर DRL प्लस प्रोजेक्टर लगाने का। तो देख लीजिए गाइस, ये R15 के लिए मैं DRL लेके आया हूँ। ये 30 सेंटीमीटर का DRL है और जैसे कि आप देख पा रहे हो, चलिए इसको निकाल के दिखाता हूँ मैं इसके अंदर क्या क्या होता है। तो गाइस, सबसे पहले देखिए इसके अंदर निकलता है एक DRL है, वो 30 सेंटीमीटर का DRL है और एक लंबी सी वायर मिलेगी आपको इसके साथ में, और दूसरे वाले के साथ में भी कुछ ऐसा ही है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है इसका। और गाइस, दोनों जो है सेम साइज़ होता है दोनों का DRL का, ये देख लीजिए सेम साइज़ है, आप आराम से लगा लेना। और इसके साथ में मिलती है गाइस, ये इसको लॉक होते हैं इसके जो DRL के अंदर लगाने होते हैं, मतलब कि पीछे की साइड में होता है, इसके पीछे आप लगा दो DRL के। जैसे कि आपको कहीं प्लेन जगह पे लगाना हो तो वहाँ पे लगाना है, क्योंकि हमारा इसका काम नहीं है, अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब करते हैं हम अनबॉक्सिंग, प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग करते हैं हम। तो चलिए देखता हूँ, देख लीजिए आप। ये आपको मैं बताता हूँ, ये ऊपर का जो है ये रेड जलेगा जो है, और ये फ्रंट वाला जो है ये हमारा वाइट होगा। तो मैंने रेड इसलिए करा है दोस्तों ताकि अच्छा भी लगेगा, और वाइट तो खैर कंपलसरी होता ही है, वैसे अलग अलग कलर्स में भी मिल जाता है, आप मार्केट में ले लेना, लेकिन मेरे को वाइट ही चाहिए था तो वाइट है। और इसके अंदर है दोस्तों इसकी इंजन लाइट है, तो ये रेड जलेगी। और जो मैंने लेके आया हूँ वो प्रोजेक्टर है ये वाला, सेकेंड वाला, ये इसके मॉडल्स हैं। ये कंपनी है दोस्तों HJG है, ये मोटरसाइकिल की है। अब इसमें भी देख लीजिए आप, इंस्टॉलेशन प्रोविटेड, ये देख लीजिए, ये इसके कनेक्शन है गाइस, देखिए कनेक्शन इसके कैसे करने हैं। ये LED प्रोजेक्टर है, लेंस है, ये हाई बीम का इसका ब्लू है, ग्राउंड ऑरेंज है, और गाइस इसके अंदर जो है और येलो है इसका, मतलब कि वाइट जो है इसकी लोबी में, और जो इसके अंदर गाइस क्या बोलते हैं येलो वायर्स है वो हमारी है, क्या बोलते हैं ये रिंग्स की, सिर्फ रिंग और इंजन लाइट जलेगी। तो दूसरा भी गाइस सेम ही ऐसा ही है, क्योंकि डबल हेड लाइट है तो डबल हेड लाइट्स के अंदर वो सेम लगाना है। देख लीजिए अब, ये दोनों सेम है। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसकी फिनिशिंग इसकी कैसी है, इसको हम हटा के ये देख लीजिए गाइस, ये काफ़ी अच्छा मटेरियल है इसका जो यूज़ हो रखा है, इसके अंदर काफ़ी क्रोम है, मतलब कि शाइनिंग वाला, ये ऐसा है, और ये भी कुछ ऐसा ही, ये देख लीजिए गाइस, ये भी कुछ ऐसा ही है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है, मतलब कि दिन में भी लाइट मार रहा है ये। इसके अंदर LED लगी हुई है गाइस दोनों के अंदर, बस यही है। तो चलिए अब इसको लगाना है अपने अपनी बाइक के अंदर, और इसकी वायर्स भी गाइस काफ़ी लंबी वायर्स है, ये यहाँ से यहाँ तक की। तो चलिए फिर लगाते हैं इसको भी, ये हमारी आएगी, ये ऐसे लगानी है हमने गाइस, ये बहुत ही लाइट। तो चलो गाइस, प्रोजेक्टर लगाने के लिए हमें इसका जो आगे का सब कुछ है फेयरिंग वगैरह वो हटाना पड़ेगा, और ये जितने भी स्क्रू हैं मिरर वगैरह सब कुछ निकालना पड़ेगा, और यहाँ से भी सब कुछ निकलेगा, तो उसके बाद में ही तब हमारा जो है प्रोजेक्टर इसके अंदर लग पाएगा, और प्लस DR के साथ के अंदर, और देख पा रहे हो आप। तो चलिए अब इसको हम खोलते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जितने भी कवर्स होते हैं साइड के वो हमने निकाल चुके हैं, और देख पा रहे हो आप भी सब सारे निकालने पड़ेंगे कवर्स वगैरह। अब गाइस हम इसके हेडलाइट्स निकालेंगे, ये देखिए ये जो स्क्रू होते हैं इसके, ये स्क्रू खुलेंगे इसके, और नीचे के भी जो ये भी खुलेंगे, और वो भी, और सारी वायरिंग वगैरह हमने निकाल ली इसकी, देख पा रहे हो आप। ये इसकी पार्किंग की है, ये हेडलाइट का सॉकेट है, और अब नीचे के रह गए, गाइस ये रहा हमारा 46, देखिए ये है पूरी हेडलाइट्स। तो अब हमने क्या करना है गाइस, ये पूरी हेडलाइट्स है उसको हमने बाहर निकालना है, और जितने स्क्रू हैं इसके 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों हमने स्क्रू जो हैं हमने खोलना है,
फिर इसकी जो हमारी हेडलाइट है वो बाहर आ जाएगी। तो चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। गाइस हमारी लाइट जो है देख लीजिए निकल चुकी है। अब हमने जैसे सेम हमने एवियो में करा था वैसे ही हमने करना है। और यहाँ से हमने पूरा सील इसकी निकालनी है, देख पा रहे हो आप। हाँ, और दूसरे लोगों का कहना ये था कि पेट्रोल से भी निकल जाती है। भाई पेट्रोल से भी निकल जाएगी, लेकिन मैं भी इसको पेट्रोल से नहीं निकालूंगा। मैं अब जो एक्टिवा की वीडियो आएगी मेरी, मैं उसके अंदर निकालूंगा, क्योंकि इसके अंदर डबल लाइट्स है। तो पेट्रोल से निकालूंगा तो टाइम लग जाएगा। तो अभी हमें इसको जो है हीट गन से ही निकालना पड़ेगा, वैसे जैसे हम निकालते हैं। तो चलिए उसको भी हम निकाल ही लेते हैं। ये गाइस हमारी देख ली जी आप हीट गन है। इसको हमने हीट करना है, पूरे में हमने हीट करके इसको छुटाना है। फिर जैसे कि यहाँ पर है सारे लोग करके हमने हटाना है। तो करते हैं इसको हीट। गाइस ये देखिए इस पर कितना हार्ड वाला जो सिलिकॉन लगा हुआ है कंपनी ने, मतलब कि काफ़ी टाइट है। मतलब काफ़ी मेहनत के बाद में अब फाइनली इसकी निकल चुकी है जो ग्लास है इसका। ये देख लीजिए काफ़ी अच्छा मटेरियल है। ये इसका क्या बोलते हैं पार्किंग वाला है बल्ब के लिए। अब इसी तरह से हमने इसको भी निकालना है जैसे हमने इसको निकाला है। इसके ऊपर राइट लिखा रहता है और जो यहाँ का होता है वो लेफ़्ट होता है, ताकि लगाने में आसानी हो जाए। और ये इसका रिफ्लेक्टर है, ये बल्ब आ गया इसका। अब हमने क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने प्रोजेक्टर लगाना है। तो चलिए अब ये वाला भी हम निकाल ही देते हैं। गाइस दोनों लाइट्स के जो ग्लास से निकल गए, अब हम लगाएंगे इसके अंदर प्रोजेक्टर। देख लीजिए आप, बड़ी आसानी से निकल गया ये वाला। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब आएगी उसमें बताऊँगा कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर कैसे निकालना है अपना जो ग्लास है उसको। तो वेट करना मेरी दूसरी वो। गाइज ये आ गए हमारे प्रोजेक्टर, तो चलिए इसको खोलते हैं। कुछ नहीं होता गाइज, बस इसके अंदर ही टाइट करने के लिए जो होता है इसका नट होता है। बस खोलते जाओ और इसको लगाओ। बस इसके अंदर हमने क्या करना है, और जो हमने इसके जो बल्ब का लॉक वगैरह है हमने ऑलरेडी निकाल चुका है। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे एक स्क्रू होता है, उसको खोल के आप इसके जो लॉक पत्ती होती है वो निकाल देते हैं। अब चलिए इसको लगाते हैं हम। लगाना कैसे गाइस, इसको लेना है इस तरीके से। और ये वायर्स देख रहे गाइस, इसको पीछे कर दो आप, वरना लाइट में से बाहर दिखेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। ये इसको हमने इस तरीके से लगाना है। ये गाइस देख लीजिए आप, ये ऐसा नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और इसका नट भी है वो टाइट हो चुका है अच्छे तरीके से। सेम हमने इसको इसकी तरह ही लगाना है, देख पा रहे हो आप, मतलब अच्छे से टाइट हो चुका है। और हो सके तो और टाइट कर दो इसको। तो इसी तरीके से गाइस हम दूसरा भी लगाते हैं। सो गाइस देख लीजिए आप, दोनों लग चुके हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हमने इसको DRL लगाना है हमने इसके ग्लास के अंदर। गाइस ग्लास के अंदर हम लगाएंगे तभी हमारा जो आगे से अच्छा नज़र आएगा। और बहुत से लोग क्या होते हैं इसके पीछे लगाते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं लगाएंगे, हमने लगाना है इसके ऊपर। तो उसके ऊपर लगाने के लिए अब हमें यूज़ करनी है एल्फी यूज़ करनी है गाइस। एल्फी से ही कोई अच्छा कोई चीज़ नहीं है चिपकाने के लिए, तो लगाएंगे हम एल्फी। तो गाइस DRL लगाने के लिए ये जो इसका पार्किंग वाला होल्डर है इसको हमने खोलना है। ये देख लीजिए ये भी बाहर निकल जाता है। ये देख पा रहे हो आप, ये है गाइस इसका, देख लीजिए पार्किंग वाला हिस्सा। तो चलिए इसको भी निकाल देते हैं। ये देख लीजिए गाइस, अभी ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है पूरी लाइट्स। अब शुरू करते हैं गाइस हम इसका DRL लगाने से।
तो देख लीजिए गाइस, एक कोना यहाँ पर जाएगा और दूसरा कोना यहाँ पर, जो 30 मीटर से गाइस सेंटीमीटर सॉरी वो इसके लिए परफेक्ट साइज़ है जो इसके लिए लगाना चाहिए हमारे को। और वैसे आप लगा सकते हो 13x2 और 60 सेंटीमीटर जो होगी वो पूरे इसका राउंड में लग जाएगी, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है लगाने के लिए इसके अंदर। तो इसके अंदर हमने क्या करना है गाइस, इसको जहाँ जहाँ से लेना है हमने एल्फी से लगाते हुए चले जाना है, और जहाँ से भी छुट रही हो और वहीं पर हमने एल्फी लगा देनी है। तो चलिए लगाते हैं, ये कोई सी भी एल्फी ले लेना गाइस, आप अच्छे से अच्छी लेना, लालच मत करना क्योंकि ये फर्स्ट टाइम खुलती है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। गाइस देख लीजिए पूरी कंप्लीट हो गई, ये जो एक 5 रुपये वाली एल्फी ने वो काम कर दिखाया है। इसी तरीके से हमने दूसरी वाली भी लगानी है। ये वायर्स मैंने ऊपर इसलिए लिए गाइस, जो इसका पार्किंग लाइट से वो इसके ऊपर है, क्योंकि ऊपर से ही हम इसके बाहर निकाल लेंगे। अगर यहाँ से लेता तो फिर उसको हमें जो रिफ्लेक्टर है बीच में से निकालनी पड़ती है उसकी। तो चलिए इसको लगा देते हैं हम, इसका होल्डर इसके अंदर लगा देते हैं वापस। हाँ गाइस देख लीजिए आप, ये लग चुकी है दोनों, इसके पीछे वाला भी लग गया और ये है ये भी लग गया। इसके ऊपर की लेमिनेशन है गाइस वो भी हटा दूंगा मैं भी नहीं जो। अब चलिए इसको लगाते हैं हम इसके अंदर लाइट के। तो गाइस सबसे पहले देखना है ये है राइट का, तो राइट का राइट में लगेगा और लेफ्ट का लेफ्ट में ही लगेगा। तो सबसे पहले हमें चिपकाने के लिए गाइस इसको करना है, हमने हीट करना है इसको, ये देख लीजिए। क्योंकि पहले वाली वीडियो में पूछा था कि भाई लगाने के लिए क्या करना है इसको, और जैसे कि इसका ये देख पा रहे हो आप, ये इसका हमने बाहर निकाल देना है पीछे से करके। फिर इसके अंदर से हमने इसकी वायर देनी है, तो इससे क्या होगा गाइस, हीट करने से सिलिकॉन जो है वो सॉफ्ट पड़ जाएगा। हम इसको इसके अंदर डायरेक्टली लगा देते हैं। इसके गाइस लॉक है, पूरे अच्छे से बैठा दो इसको और लॉक इसके बंद कर दो। थोड़ा हीट कर दो इसको और लॉक को सॉफ्ट हो जाएगा ये। सॉफ्ट होने के बाद में हमने इसको पीछे करना है। देख लीजिए गाइस ये हो गया, अब देख लीजिए इसके वायर्स यहाँ से निकल गए। अब इसी तरीके से गाइस हमने दूसरा भी लगाना है। देखो आप सोच रहे हो कहीं से उठा हुआ है, नहीं गाइस बिल्कुल भी उठा हुआ नहीं है। ये जो निशान आ रहे हैं ये भी हो जाएंगे अंदर। इसको लगाना हमने हीट करनी है हीट से। अब स्क्रू ड्राइवर से पीछे से हमने इसको ऐसे मोड़ना है, ये देख लीजिए आप, हो गया ना गाइस पूरा नीचे हो गया। बाकी तो आप कर ही लोगे खैर मुझे जानता हूँ। इसको भी कर लीजिए ऐसे। तो चलिए दोस्तों अब हम दूसरे भी लगा लेते हैं इसका, उसको भी गाइस हमने कि इसी तरीके से हीट करना है। हीट कर लेना है, हीट कर लेना आराम से बैठ जाएगा, सब चिपक जाएगा अच्छे से। अरे हो तो भाई गाइस देख लीजिए, ये मैंने यूपीएस की बैटरी से जला दिया है, ये 12 वोल्ट की बैटरी होती है। हाँ ये देखिए काफ़ी अच्छा लुक दे रही है फुल्ली। और जैसे कि मैंने इसकी अभी कनेक्शन नहीं करे गाइस, जो इसका अंदर वाली जो होती है एलईडी का। गाइस इसका देख लीजिए, मैंने डस्ट कवर जो था वो भी लगा दिया। डस्ट कवर को के साथ में जो पीछे जो होल होता है जहाँ पे से हमारा बल्ब आता है गाइस, उसकी जगह मतलब कि होल होता है काफ़ी बड़ा सा, अगर वो खुला रह गया तो उससे क्या होगा, डस्ट वगैरह आपकी लाइट्स के अंदर चली जाएगी, वो गाड़ी की लाइट के लिए बिल्कुल ख़राब होगा। तो इसीलिए मैंने क्या करा गाइस, ये जो गत्ता होता है गत्ता फाड़ा और उसके अंदर लगा दिया है इसके अंदर। ओके गाइस ये देख लीजिए, अब चलिए अब गाइस जहाँ जहाँ से हमने स्क्रू खोले थे अब वापस हमने वहीं लगाना है।
जैसे कि आप देख पा रहे हो ऊपर का लग रहा है हेडलाइट्स के। ये देखिए अब मैं आपको आगे देखूँगा गाइस, ये आगे से लग गई। अब मैं आपको दिखाऊंगा जब पूरे इसके जो बॉडी पार्ट है सब लग जाएंगे। इसके बाद गाइस अब बारी आती है कनेक्शंस की। तो गाइस देखो आप पहले की तरह मैं आपको पता वायर्स नहीं काटता हूँ। ये देख लीजिए इसको मैंने निकाल लिया है। इसको निकालने के लिए गाइस इसके पीछे आप कुछ भी ले लो, जैसे ये मोबाइल खोलने का स्क्रू ड्राइवर है, इसको यहाँ से पुश करना है और ये पीछे निकल जाएगा। तो इसके कनेक्शन में बताता हूँ गाइस कैसे हैं। आपको ब्लैक से ब्लैक लगाना है, येलो से येलो लगाना है और रेड भी लगाना है आपने इस वायर पे, ग्रीन वाली पे। ओके गाइस तो चलिए इसको भी हम लगा ही देते हैं। इसको भी निकाल देता हूँ मैं, जो ऊपर वाला ग्रीन वाला। गाइस ये सारी वायर्स निकल गई हैं। अब देखिए अब ब्लैक से ब्लैक लगाना है हमने। ये गाइस दोनों प्रोजेक्टर के जो वायर्स हैं हमने एक ही में लगा दी है, देख पा रहे हो ना आप, ये लेफ्ट वाला एक राइट वाला दोनों लग चुके हैं। अब इसको क्या करना है हमने, इसको लेना है हमने, यहाँ से लेना है इसको, फिर इसको यहाँ से वायर्स को लगा देना है। तो इसी से कनेक्शन है गाइस आप करी लो। गाइस सारे वायर्स को लगाने के बाद में आपने इसको टेप कर देना है, जैसे कि आप मेरे इसमें देख पा रहे हो, मैंने उसको भी अच्छी तरीके से टेप कर दिया है। अब हमने लगाने हैं DRL के कनेक्शन करने का। इस ये जो DRL है और ये इसकी वायर्स है, तो इसकी वायर्स के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा लंबा लंबा छीलना है हमने। लंबा छीलने के बाद में फिर हमने इसको इसके अंदर लगाना है। ये देख पा रहे हो आप, ये लंबा छील दिया। अब देखो इसके अंदर जो गाइस ब्लू वायर है वो हमारी मेन वायर है, तो मेन वायर में हमारी आएगी वाइट वायर, वाइट वायर के बाद में हमारी आएगी ब्लैक, फिर वाइट वायर। इसको अंदर करके लगा देना है हमने। बस इसके सॉकेट के अंदर लगा देना है, सॉकेट के अंदर लगने के बाद में अब थोड़ा हम चेक करके देखते हैं। ये देखिए गाइस ये जल गई है लाइट, इसकी DRL जल रहा है गाइस अभी। ये इसकी एंजल जल गई, अब इसके ये अंदर की LED जल गई। तो यहाँ तक तो ठीक है। ये देखिए डिपर भी काम कर रहा है इसका अच्छे से। जो बाकी की बॉडी वॉडी लगी है बची है, अब हम उसको भी लगा लेते हैं, फिर मैं आपको उसका दिखाता हूँ टेस्टिंग, ये रोड पर कितनी आगे जा रही है, इसकी कितनी रेंज है और इसकी ब्राइटनेस है वो कितनी ज़्यादा है। तो गाइस ये दिन के अंदर देख लीजिए आप कैसे जल्दी है। टोटल कॉस्ट इसके 1400 रुपये आई है, यानी कि 1400। बाकी का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके इसको परचेस कर लेना। सो गाइस कनेक्शन मैंने ऐसे करे हैं, जब हम इसकी पार्किंग को ऑन करते हैं तो इसका जो DRL है सिर्फ वो ही जलेगा। देखिए ये हो गई पार्किंग ऑन। अब मैं आगे से दिखाता हूँ। ये देखिए अभी गाइस दोनों चीज़ें जल गई हैं, एंजल लाइट्स विथ DRL। और जैसे कि मैं देखिए दूर जाता हूँ इसको, दूर 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 देख लीजिए। हाँ ये देखिए, ये गाइस काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है दूर से भी। और जैसे कि इसके अंदर भी गाइस आप पार्किंग बल्ब जो लगा सकते हो, कुछ भी डिफरेंट कलर का जो आपको अच्छा लगे। गाइस ये तो मैंने पार्किंग पे कनेक्शन किया था, अब जो एंजल लाइट है गाइस अब उसके कनेक्शन देखिए वो मैंने कैसे करें। उसके कनेक्शन गाइस मैंने ऐसे करें, जब हम इसको हेडलाइट को ऑन कर देंगे इसकी एंजल लाइट जल जाएगी। देखिए एंजल लाइट्स के
कुछ इफेक्ट्स हैं वो हमें ज़मीन पर नज़र आ रहे हैं। और एक चीज़ और देखिए गाइस, ये है इसका लो बीम पे, अभी हमने लो बीम पे कर रखी है तो इसकी एंजल लाइट्स जल लिए, मैं आपको दिखाता हूँ आगे से। अब आती है इसकी फाइनल टेस्टिंग जो है वो है इसकी ब्राइटनेस। अब ब्राइटनेस देखनी है गाइस इसकी कि कैसी है, मतलब कि हाईवे वगैरह पे चलने लायक है या नहीं है, या मतलब कि कुछ ऐसी है। अभी दोस्तों मैं बिल्कुल डार्क एरिया है वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ अपनी बाइक को लेके, और देखते हैं गाइस इसकी जो ब्राइटनेस है वो कैसी है। और दो गाइस इसके अंदर मतलब हाई बीम भी है, मतलब कि मैं सोचना कि लो बीम रहेगी, और इसके अंदर जो डीपर पे आप डीपर से भी काम ले सकते हो। देखिए गाइस मैं अभी इसका डीपर यूज़ करूँगा, ये देख पा रहे हो आप, ये देखिए ये इसका डीपर है, ये देख लीजिए ये फ्लैशिंग करेगी, ये गाइस फ्लैशिंग कर रही है आप देखिए। अब गाइस इसको मैं करूँगा स्विच को नीचे, मतलब कि हाई बीम पे, ये गाइस ये हाई बीम आ गई इसकी, ये देख लीजिए आप ये आगे तक जा रही है, काफ़ी दूर तक जा रही है गाइस, ये करीबन 200 मीटर्स होगा जो इसकी लाइट जो जा रही है। आप सोच रहे होंगे इसका कलर गाइस पीला वीला है कि नहीं, गाइस इसका कोई भी कलर पीला नहीं है, जैसे कि HID में से आती है सेम ऐसे ही होता है, बल्कि HID से कम जो पावर है कंज्यूम करते हैं ये LED। दोस्तों वीडियो में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल और सुझाव है नीचे कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक का लाइक और शेयर नहीं करा है तो वो भी कर दीजिए, अगर आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर दीजिए, क्योंकि रोज़ आपके लिए ऐसी ऐसी नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में।